नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं कुछ नए शब्दकोश, उसके अनुवाद और उसको हम वाक्या में कैसे प्रयोग करेंगे ये भी जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन 30, अध्याय 30। हमारा पहला शब्द है इंतज़ाम, तो इसका अनुवाद होगा अनुकूला। तो जैसे कि हम बोलते हैं वहाँ पे इंतज़ाम कैसे है, अल्ली अनुकूला हेगिदे। इंतज़ाम का और एक अनुवाद भी होता है तैयारी करना, पर उसका भी कन्नड़ा का अनुवाद है तैयारी माडुवुदु, ये भी हो सकता है। तो इंतज़ाम होता है अनुकूला। निचोड़ो हिंडु, निचोड़ना हिंडुवुदु, भिगोना नेनसु, भीगना नेनियोदु। इस्त्री कभी कभार वम्मम में, थोड़ा स्वल्पा, ज़्यादा जास्ती, के लिए गोस्करा, उसके लिए अवना गोस्करा, इनके लिए इवर गोस्करा, प्राणी के लिए प्राणी गोस्करा, धोबी आगसा, आप धोबी भी बोल सकते हो, धूप बिसिलु, मारो बड़ी या फिर होड़ी, मारना बड़ियुदु या फिर होड़ियुदु, सीख कली, सीखना कलियुदु, सिखाना कलिसुवुदु, चीज सामानो या फिर वस्तुगलु, वस्तु वस्तु, सुखा वणगु, सुखाना वणगिसुवुदु, बोलो या फिर बात करो, माताडु बोलना, माताडुवुदु बात करना, माताडुवुदु, बुलाना करियुवुदु, बुलाना करियुवुदु, मुश्किल काम कष्टद केलस, यहाँ आया इल्लिगे बंदे, या फिर यहाँ पे आप दो तरीके से ये देख सकते हो, मैं यहाँ आया, नानु इल्लिगे बंदे, वो यहाँ आया, अवनु इल्लिगे बंदा, ऐसे होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ आया, नानु इल्लिगे बंदे, वो यहाँ आया, अवनु इल्लिगे बंदा, वहाँ गया अल्लिगे होदे, मैं वहाँ गया, नानु अल्लिगे होदे, वो वहाँ गया, अवनु अल्लिगे होदा। आप परीक्षा लिखोगे क्या, आप नीवु परीक्षा परीक्षे लिखोगे क्या, बरितीरा नीवु परीक्षे बरितीरा, हाँ लिखना ही होगा, ये मेरा आखिरी प्रयत्न है या फिर ये मेरा अंतिम प्रयत्न है, हाँ हौदु लिखना ही होगा, बरीले बेको, ये मेरा इदु नन्ना आखिरी कोनेया अंतिम अंतिम प्रयत्न है, प्रयत्न हौदु बरीले बेको, इदु नन्ना कोनेया प्रयत्न अथवा इदु नन्ना अंतिम प्रयत्न, पर मैं नहीं लिखूंगा, पर मैं आदरे नानु नहीं लिखूंगा, बरियल्ला या फिर बरियोदिल्ला, क्यों या के, कुछ भी पढ़ा नहीं, कुछ भी एनु या फिर एनन्नु पढ़ा नहीं, ओदलिल्ला एनन्नु ओदलिल्ला या फिर एनु ओदलिल्ला, आपको गाना आता है क्या, आपको निमगे गाना हाड़ोके आता है क्या, बरुता या फिर निमगे ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ, ದೋನೋ ಬಿ ಸಹಿ ಹೇ, ನಿಮಗೆ ಹಾಡೋಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಯಾ ಫಿರ್ ನಿಮಗೆ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ, ಆಪ್ಕೋ ಗಾನಾ ಗಾನಾ ಆತಾ ಹೇ ಕ್ಯಾ, ನಿಮಗೆ ಹಾಡು ಹಾಡೋಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಯಾ ಫಿರ್ ನಿಮಗೆ ಹಾಡು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ, ದೋನೋ ಸಹಿ ಹೇ, ಥೋಡ ಆತಾ ಹೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ, ತೋ ಫಿರ್ ಏಕ್ ಗಾನಾ ಗಾಯಿಯೇ, ತೋ ಫಿರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಏಕ್ ಒಂದು ಗಾನಾ ಗಾಯಿಯೇ ಹಾಡು ಹಾಡಿ, आपको कौन सा गाना पसंद है, आपको निमगे कौन सा यावा गाना पसंद है, हाडू इष्टा, मुझे कर्नाटक शास्त्रीय संगीत पसंद है, मुझे ननगे कर्नाटक शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत पसंद है इष्टा, ननगे कर्नाटक शास्त्रीय संगीत इष्टा,
ये हफ्ते में दो छुट्टियां है, किधर जाएंगे? ये हफ्ते में दो छुट्टियां है, किधर जाएंगे? ये ई हफ्ते में बारदल्ली दो एरडू छुट्टियां रजे है, इदे या फिर इवे, किधर यल्लिगे जाएंगे होगोण? ई वारदल्ली एरडू रजे इवे या फिर एरडू रजेगळिवे, यल्लिगे होगोण? हम कन्याकुमारी जाएंगे या फिर हम कन्याकुमारी को जाएंगे? हम नाउ कन्याकुमारी, कन्याकुमारी को गे जाएंगे, होगोण? नाउ कन्याकुमारी होगोण या फिर नाउ कन्याकुमारी गे होगोण? संतोष और विशाल किधर जा रहे हैं? संतोष, संतोष और मत्तु विशाल, विशाल किधर इल्लिगे जा रहे हैं? होक्ता इद्दारे, संतोष मत्तु विशाल इल्लिगे होक्ता इद्दारे? वो कहीं पे भी जाएं, हम दोनों साथ में जाएंगे। वो अवरु कहीं पे भी जाएं, इल्लिगादरु होगली, हम नाउ दोनों इब्बरु साथ वट्टिगे जाएंगे, साथ में जाएंगे या फिर साथ जाएंगे, इब्बरु वट्टिगे होगोण? अवरु एल्लिगादरु होगली, नाविब्बरु वट्टिगे होगोण? पिछले महीने जाना चाहिए था, हुआ नहीं, इस बार जरूर जाना चाहिए। पिछले महीने होद तिंगळु जाना चाहिए था, होगबेकित्तु, हुआ नहीं, आगलिल्ला, इस बार जरूर जाना चाहिए। ई सला, ई सला या फिर ई सार्ति खंडित होगबेकु। होद तिंगळु होगबेकित्तु, आगलिल्ला, ई सला या फिर ई सार्ति खंडित होगोण, जरूर खंडित। धोबी कपड़े कहाँ धोता है? धोबी अगसा कपड़े बट्टे कहाँ यल्ली धोता है? वगीताने, अगसा बट्टे यल्ली वगीताने या फिर धोबी बट्टे यल्ली वगीताने? वो नजदीक के तालाब में धोने जाता है। वो अवनु नजदीक के हत्तीरदा तालाब में केरेगे धोने जाता है, तुळियलु होगुत्ताने, अवनु हत्तीरद केरेगे तुळियलु होगुत्ताने। वो कपड़े पानी में भिगोकर पत्थर पर रखता है। वो अवनु कपड़े बट्टे पानी में नीरल्ली भिगोकर नेनसी पत्थर पर कल्लिन मेले या फिर पत्थर के ऊपर रखता है, इडुत्ताने, अवनु बट्टे नीरल्ली नेनसी कल्लिन मेले इडुत्ताने। गंदगी निकालने के लिए साबुन डालता है। गंदगी कोळे निकालने के लिए तेगेयलु साबुन, साबूनु डालता है, हाकुत्ताने, कोळे तेगेयलु साबुनु हाकुत्ताने। वो पत्थर के ऊपर कपड़े को मारता है। वो अवनु पत्थर के ऊपर कल्लिन मेले कपड़े को मारता है, बट्टेयनु बडिताने। उसके बाद फिर से कपड़े को पानी में भिगोता है। उसके बाद नंतरा फिर से पुनः कपड़े को बट्टेयन्नु पानी में नीरिनल्ली भिगोता है, नेनसुत्ताने। नंतरा पुनः बट्टेयन्नु नीरिनल्ली नेनसुत्ताने या फिर नीरल्ली नेनसुत्ताने। भिगोने के बाद पानी निकालने के लिए कपड़े को निचोड़ता है। भिगोने के बाद नेनेसी आद मेले पानी निकालने के लिए नीरन्नु तेगेयलु कपड़े को बट्टेयन्नु निचोड़ता है, हिंडुत्ताने। नेनेसी आद मेले नीरन्नु तेगेयलु बट्टेयन्नु हिंडुत्ताने। कपड़े निचोड़ने के बाद उसको धूप में सुखाता है। कपड़े बट्टे निचोड़ने के बाद बट्टेयन्नु हिंडिद मेले उसको या फिर हिंडिद नंतर उसको अदन्नु धूप में बिसिलल्ली सुखाता है, वणगिसुत्ताने। बट्टेयन्नु हिंडिद मेले या फिर बट्टेयन्नु हिंडिद नंतर अदन्नु बिसिलल्ली वणगिसुत्ताने। कपड़े सुखाने के बाद उसको इस्त्री के लिए देता है। कपड़े सुखाने के बाद बट्टे वणगिसिद नंतर अदन्नु इस्त्रीगे कोडुत्ताने। धन्यवाद।
Click subscribe and the bell icon to get all the notifications from Kannada TV.